सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज हर पबजी लवर के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। वो आज मेरी तरह जल्दी उठे होंगे, जो कि 12-1 बजे उठते हैं, तो आज वो 9-10 बजे उठ गए होंगे, क्योंकि आज डिसीजन आना है पबजी के बारे में। यार अभी तक तो कोई किसी की तरफ से अपडेट नहीं आई, क्योंकि यार इसकी हायरिंग होनी है 11 बजे। तो यार 11 बजे के बाद ही सारी अपडेट्स पता चलेंगी। मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा, छोटी छोटी अपडेट आपको मैं करता रहूँगा, ठीक है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को एकदम फ़ौरन अपडेट मिल जाए। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है खुशखबरी ही मिलेगी, पबजी अनबैन ही होगी, क्योंकि यार हमारा केस स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जिन्होंने केस किया था वो तो मेरे ख्याल से आएंगे ही नहीं, भाग जाएंगे। तो इंशाल्लाह पबजी अनबैन होकर ही रहेगी। बाकी बात करते हैं, यार पबजी बैन होगी तो क्या नुकसान आते हैं, और पबजी अनबैन हुई तो हमारे क्या फ़ायदे हैं। तो यार देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पबजी बैन के बारे में। मतलब पबजी बैन करना हल नहीं था। आप लोगों को 2-4 रिक्वेस्टेज आई, आप लोगों ने कहा जी हमारे ऊपर बर्डन आ चुका है, हम लोगों ने पबजी बैन करनी है, पीटीए वालों ने, ठीक है, उन्होंने पबजी बैन कर दी। तो जब पबजी बैन हुई तो इन्होंने हमें मैसेज करके कहा आप हमें ईमेल करें या हमें आप कांटेक्ट करें कि पबजी बैन क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यार ये आप लोग बातें पहले पूछनी चाहिए थी, ठीक है। आप लोगों ने पबजी बैन कर दी तो पबजी चलो बैन हो गई। फिर हमने यार ट्विटर पे नंबर ट्रेंड 1 चलाया कि यार पबजी बैन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने पता नहीं तब भी हमारी बात नहीं सुनी, और जो फेक इंटरव्यू था वो हमने आपको सबूत के साथ हर चीज़ दिखाई, हर चीज़ साबित की, ठीक है। तो उन्होंने वो वीडियो ही डिलीट कर दी। अगर वो सच्ची होते यार वो वीडियो कभी ना डिलीट करते, ठीक है। और यार काफ़ी नुकसान आता है पबजी बैन होने के, क्योंकि यार ई स्पोर्ट यहाँ नहीं आ सकती, कोई भी स्पॉन्सर नहीं आएगा यहाँ। पाकिस्तान की गेमिंग कम्यूनिटी जो आगे जा रही है वो भी नीचे रह जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई स्पॉन्सर ही नहीं मिलेगा तो यार हमारे लड़के टूर्नामेंट्स कैसे खेलेंगे, ठीक है। अगर वो टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं ड्यूक के, पेप्सी के, कोई भी उन्हें स्पोर्ट्स कार है, और आप लोगों ने पबजी जैसे बैन कर दिए, अभी फाइनल भी है 10 तारीख को, तो यार आप लोगों ने बैन कर दिए तो ये तो हमारी नौजवान नस्ल का बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोगों ने उनका दिल दुखाया। सीधी सी बात है, अपने नेक्स्ट ईयर आके आपने 2-4 साल बाद आके दोबारा से वोट मांग रहे हैं, नौजवान नस्ल को अपने फिर से अपने जोश दिलाना जी हमारी नौजवान नस्ल ऐसी है, यही कुछ कर सकती है, जब वो कुछ कर रही है तो आप लोगों ने वो चीज़ ही बैन कर दी यार। तो यार लास्ट में बात करते हैं, पबजी अगर अनबैन होगी तो हमें क्या फ़ायदा। यार देखियो जो टूर्नामेंट हो रहे थे वो दोबारा से टूर्नामेंट होना शुरू हो जाएंगे दोबारा नए सिरे से, और हमारी भी यार पिंग भी अच्छी आ रही थी तो हमें और ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा खेलने को। और यार ये स्किल्स बढ़ाता है, मतलब ये नहीं है हमें पागल बना देता है, यार ये स्किल्स बढ़ाता है। अगर मैंने पबजी शुरू की है, मुझे किसी गन्स वगैरह के नाम नहीं पता थे, ठीक है, मुझे किसी टेक्निक का नाम नहीं था पता, मतलब मुझे किसी टेक्निक का नहीं पता, मैं घूम के जाऊँ, पीछे से जाऊँ, मैं सीधा जाऊँ, वो सीधा मुझे मार देगा। लेकिन नहीं यार, लड़के कहते हैं यार ऐसे इस तरीके से करो, मतलब तू 2 पीछे से जाओ 2 आगे से, उसको घेरते हैं, मतलब यार ऐसी प्लानिंग हो कि थोड़ा पता दिमाग तेज़ होता है, इससे लो नहीं होता यार। और इस पबजी की वजह से आप लोग के पाकिस्तान में बहुत पैसा आ रहा है बाहर से, जो लोग यूट्यूबर हैं अब जिनके 5-5, 6-6 लाख सब्सक्राइबर हैं यार, वो 1.5-2 लाख कमा रहे हैं डॉलर में, डायरेक्ट डॉलर में पैसा आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को भी टैक्स मिल रहा है, और जो यूट्यूबर खेल रहे हैं उनको भी पैसे मिल रहे हैं, तो वो यार और मेहनत से खेलेंगे, उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे, डॉलर बढ़ेगा, तो यार हमारी ही इकोनॉमी मजबूत होगी। तो खुदारा इसको जल्दी से अनबैन करो, और 11 बजे तक वेट करो, मैं आप लोग जैसी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एकदम अपडेट मिल जाए। तो नई अपडेट के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी।